इसमें सल्ब्यूटामॉल 2 mg 5 mg की मात्रा में होता है। इसे अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं। एस्थिलिन सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये विंडपाइप की मसल्स को रिलैक्स करता है और विंडपाइप को वाइड करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसे डॉक्टर के बताए अनुसार डोज में और ड्यूरेशन तक लें। इसे मुंह में डालते ही निगल लें। इसे तोड़ने या चबाने की जरूरत नहीं है। इसे खाने के बाद या खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसे एक फिक्स टाइम पर ही लें। धन्यवाद।